चारों गांव पर 309 परिवार उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो जी आए हैं छेटाकते हैं मैं अपन बटेले बहुत बहुत मैं आभार आ रही तो प्रति में मैंने वो दिखा कर मैंने आभार प्रकट करूँगा। आज हमारे गांव गुरु आदू सुंदरू पुरसौदी ये तीनों गांव में है कोनो किसी का कोनो एखन तक कोनो विकास का कार्यक्रम हमारे जो भी सुदेश कुमार महतो जी रो हैं ओकर बाद ले ये काम होल बाद एकोटा विकास को काम यहाँ हो जो आज हमारे माई बहनों जानते हैं गांव पर लोगों मैंने समझे पारते हैं कि आज हमारे बुजुर्ग लोग बूढ़ा लोग न तो वृद्धा पेंशन मिलते हैं न इंदिरा आवास न PCC ये काम करो ना है वो विकास को काम करो गिले ये कौन करेक्ट में हमारे देखो रिहा है ये हमारे यहाँ जो हम वर्तमान विधायक हैं मैं कहे चाहता हूँ जे ये छोटे छोटे राजनीति में भाग लेला का राजनीति करेला छोटे छोटे जे छुआ पुड़ुआ आयन इगला गिला में हैं कस्तूरबा में हैं राजनीति इसका नहीं उसका नाम कटना चाहिए उसका नहीं उसका जोड़ना चाहिए इसे राजनीति करी नहीं आगे बटे पढ़े कर ये काम करी अरे छोटे छोटे छुआ काकरो छुआ तो पढ़े और पढ़े ना और असम विकलांग कर व्यक्ति को रहुआ जो कि छुआ नाम हुआ मैंने कटा दिल जाए जटा मैं DC को ना जा रहा हूँ DC साहब के बोलो DC साहब बोलो कि ये बहुत बड़ा गंदा राजनीति है। देखिए हमारे वहाँ सिली विधानसभा में क्या हो रहा है आप तो उपस्थिति थे सर और आपके उपस्थिति में ऐसा ऐसा घटना मन जो कि मैंने घट रहा है बहुत बड़ा कीचड़ है वहाँ पर कोई चलने का सुविधा भी नहीं हो रहा है और ये PCC बना दीजिएगा वहाँ पर का PCC पहले था फिर कीचड़ में एकदम खराब हो गया चलने का मोदी आवास तो हम लोग को किसी को नहीं मिला है हम लोग का गांव में किसी को नहीं मिला है वो भी होने का जरूरी है काहे कि हम लोग को यहाँ कुछ किसी को नहीं मिला है और ग्राम संगठन का ऑफिस तो एकदम बना दीजिएगा नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे जितना मिला है हम लोग बैठते हैं वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में बैठते हैं फिर वहाँ से रजिस्टर को सब को लेके आना पड़ता है। आज यह प्रोग्राम करेक मकसद करेक कारण विगत 2014 मैंने हमरे जे गलती कोहा चाहे जे कहबा आज हमरे बेटा ले बहुत बड़े गलती हो चुकी है हमरे एकटा विकास पुरुष के मयो उरन क्षेत्र टाइ रह अमित माधव साथे रह लेकिन मौके आज 4 साल अंतर है मैं आज मुझे महसूस हल कि मैं गलत रास्ता रह गलत रास्ता चलत रह आ तोरे सब जानत होगा गुरु आतो बोसोडे सुंदर बोटे जपनाई लोग आ मैं अमित माधव खातिर का करिया नहीं कर रहा है कोहे को लोग छिपल लगे आज मो रास्ता अलग करे एक मकसद है मैं चाहला मोर एक सोच है कि जितना हमरे गांव टोला मोहल्ला मैंने हमरे बड़े बुजुर्ग माँ काका जेठा जेठी सो बहा सबके आशीर्वाद लेने खातिर पार्टी या कोशिश कर रहा लेकिन एक साजिश कर तो आज विकास अवरोध और खातिर मैं आज आज तो पार्टी के काम एक महीना पहले ज्वाइन कर रहा तो मैं आज जितना माँ काकी जेठी बड़े बुजुर्ग दादा जेठा आना सब के मैं विनती करके जाना में चाहला कि भाई हमरे बेटे ले जेटा 2014 गलती हुआ है उठा के हमरे दोबारा दोहरा नहीं चाहेगा। Thank you.
गैस ने खे इंदिरा आवास ने खे घनवर बुढ़ा बुढ़ी 100 बछर ले पेंशन टाका नहीं पावे होसे फार्म भर ली हां गैस फार्म भर ले हो के करे आए हमरा सुदेश के करे आए तो सुदेश हमरे घर से शिकायत करू घर देख का हमरे घर इंदिरा आवास चाहिए हमरे घर बुढ़ा बुढ़ी के 100 बछर ले तो फार्म भर भर कर थोक गेल दियो लकर पेंशन चाहिए देखा 5-7 लंघा रही और गाढ़ा पर घर रहे गाढ़ा हमरे के बांधी दे और नलकूप चाहिए शिकायत ये किससे करना है आपको सुदेश सुन मेरा बगल नलकूप टिको सिंहपुर नर्सिंग होम में रामगढ़ गोला बोकारो धनबाद चास जमशेदपुर सरायकेला चाईबासा बुंडू तमाड़ राहे सुनहातू बंता अनगढ़ा और बंगाल के भी मरीज आयुष्मान का लाभ ले चुके हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में तो आप भी आयुष्मान का लाभ लेने जरूर आए। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में ध्यान रहे आयुष्मान का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए उपलब्ध है। तो जब भी आप आए सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में आयुष्मान का लाभ लेने तो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना ना भूले। 24 घंटे मरीजों का इलाज किया जाता है सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में सभी तरह के फैसिलिटी उपलब्ध है जैसे सीटी स्कैन इको ऑक्सीजन ईसीजी पल्स ऑक्सीमीटर पैथोलॉजी नेबुलाइजर बेड केबिन सक्शन मशीन फोटोथेरेपी अल्ट्रासोनोग्राफी इम्यूनाइजेशन ऑपरेशन मेजर एंड माइनर और साथ ही साथ एम्बुलेंस की सेवा 2400 घंटे सी आर्म पीडियाट्रिक फैसिलिटी और कैंटीन की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आए आयुष्मान का लाभ लेने हमारे हॉस्पिटल सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। अब तक 700 से अधिक मरीजों ने सिंहपुर नर्सिंग होम में आयुष्मान का लाभ उठाया है।